दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साइट इंजीनियर हो या आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें आज वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लिंटल पे बात करेंगे कि लिंटल का लेवल क्या होना चाहिए, लिंटल में स्टील क्या होना चाहिए और लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। सिल लेवल क्या है, सिल लेवल कितना होना चाहिए वो हम बात करेंगे। पार्टीशन वॉल जो रहती है उसकी कितनी मिनिमम आपको थिकनेस रखनी है और जो आपकी मेन वॉल रहती है उसकी कितनी रखनी है और भी बेसिक चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है आप दोनों के लिए, साइट इंजीनियर्स के लिए भी और जो लोग अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, हमारा जो लिंटल होता है तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखो जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक बढ़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे दरवाजे पे तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रेजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें तो सरिया आपको जो रखना है तो वो आपको रखना है नीचे में, आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की वो 150x150 की रखो और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट, उसकी हो गई क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी की होता है तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है और जो ऊपर का ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पर हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पर है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पर है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वॉल और मेन वॉल जो हमारी, तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने हैं और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देने हैं। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी डलाई थी, एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है, हाइट 4 इंच रहेगी और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है, मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो उसका रहेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे, 2 सरिया आपको डाल देना है 12 का और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने, जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ यू शेप स्टीरअप है और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका, पार्टीशन वॉल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन वॉल रहेगी वो आपको 9 इंच की रखनी है।
9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई बनाई जाएगी, तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है, और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा ही आ रहा है। तो जो आपकी घर का घर होगा, मतलब कि चारों तरफ जो आपकी दीवार रहेगी वो 9 इंच की रखो। अगर आप कुछ भी डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हो या फ्लाई एश ब्रिक यूज़ कर रहे हो या रेड ब्रिक कर रहे हो, वो बाहर की दीवार आपकी 9 इंच रहेगी, पार्टीशन वाल आप बाहर 4 या 5 इंच की आपकी कर सकते हो। तो ये बेसिक नॉलेज था आपके लिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और क्या सिल लेवल, लिंटर लेवल, पार्टीशन वाल और जो हमारे मेन वाल है उसमें आपको, आई होप आज कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। शाम को हमारे इंटरव्यू पे क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर आएगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगी। थैंक यू गाइस।